बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री रामदास अठावले। आदरणीय महोदय, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, इसलिए आपको बधाई देने के लिए यहां खड़ा हूं। आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपने संघर्ष का पहाड़ चढ़ा है। मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं हूं मेरे पार्टी का अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मुझे मत छोड़ो अकेला। जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है गढ़, जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है गढ़, उनका नाम है धनखड़। हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़, हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़, इसमें जरूर सफल होंगे आदरणीय धनखड़। हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, उनके ऊपर होनी चाहिए कड़ी एक्शन। हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन, हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन, हंगामा करने की हमें नहीं चाहिए फैशन। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत बड़ा संघर्ष करते करते यहां पहुंचे हैं। गांव से आकर किसान के बेटे के माध्यम से आप इतने बड़े उच्च पद पर आए हैं, इसमें आपका अनुभव, आपका बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपने पश्चिम बंगाल में गवर्नर का जो काम किया है, बहुत बड़ा वहां चैलेंज था, वहां काम करना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बंगाल में बहुत अच्छा काम किया है, और बंगाल में अच्छा काम आपने किया है, इसीलिए आपको यहाँ लाने की कोशिश जरूर हुई है। मतलब आप एक संघर्षशील नेता है, मतलब वहां अगर आपका काम ठीक नहीं होता था तो शायद ये पद आपको मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक बात है, बंगाल भी अपना ही है, सभी बंगाल के नेता भी अपने हैं, देश का एक वो राज्य है, और कोई भी राज्य हो, यहाँ किसी पार्टी की सत्ता आती है जाती है, कोई मुख्यमंत्री होता है कोई नहीं होता है। कभी हम भी मतलब 3 बार सांसद रहे लोकसभा में, और मैं शिरडी में मैं हार गया लेकिन मैं घर में बैठा नहीं, मैं घूमता रहा, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, कांग्रेस पार्टी के मेरे सभी दोस्त है, समाजवादी पार्टी के मेरे दोस्त है, कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे दोस्त है, और अभी बीजेपी के मेरे दोस्त हैं, मैं सब बीजेपी के साथ मैं आया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे शिरडी में हारा गया, मुझे मंत्री नहीं बनाया, फिर मैं उधर क्या करूँ। तो इसीलिए मुझे मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा, और मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास दिख रहा है, सारा प्रकाश, मतलब ये जो प्रकाश दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने निर्णय ले लिया कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सत्ता में आना चाहिए बताया है, मेरी अकेली पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, इसी के साथ मिलकर ही सत्ता में आ सकता हूँ। और मेरे पार्टी का मुझे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है तो भी आप मंत्री कैसे हैं? तो मैंने बोला आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाकर पूछो, मतलब मैं कैसा मंत्री हूँ, मतलब मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे पार्टी के लोग पूरे देश भर में है, नॉर्थ ईस्ट में मेरी पार्टी, सभी पार्टी है,
और मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं आपको, हाँ आप मुझे हर बार बोलते थे कि हमको कविता सुनाओ, अगर आप मुझे ज्यादा बोलने के लिए देंगे तो मैं कविता सुनाऊंगा, नहीं तो एक भी कविता नहीं सुनाऊंगा। तो ठीक बात है, तो इसीलिए मतलब कविता सुनाता भी रहूंगा और आप एक अनुभव है तो इसीलिए अपोजिशन को भी आप मौका दे दीजिए, हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, लेकिन एक आधा दिन हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, दूसरे दिन एक्शन होना चाहिए और हाउस का काम भी मतलब चलना चाहिए। इसीलिए आप एक सर्वोच्च हाउस के आप चेयरमैन बन गए हैं, इसीलिए मैं, मेरी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपको साथ देता रहूंगा और आप मुझे बोलने का मौका देते रहो। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर के केशव